सो यस बुकिंग इज डन, यहाँ मैं पहुंच गया हूँ सिटी में। यहाँ पे इवेंट बेसिकली बाइक लॉन्च है। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are doing great. So guys, मैं रेडी फेडी हो गया हूँ क्योंकि आज है एक इवेंट, हम जा रहे हैं एक इवेंट अटेंड करने जो है इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च का। तो वहीं जाके मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। ऑलरेडी आई एम लेट बट आई एम ड्रेस्ड अप, तो बस जस्ट निकल रहे हैं। मैंने कहा यार चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। मैं जा रहा हूँ गुड़गांव एरो सिटी। बाय द वे मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, स्टे ट्यून्ड, लास्ट तक ये ब्लॉग जरूर देख लेना। यहाँ मैं पहुंच गया हूँ एरो सिटी, और एक्चुअली ये देखो एरो सिटी, ये रहा वर्ल्ड मार्ट आया हूँ मैं। यहाँ पे इवेंट बेसिकली बाइक लॉन्च है और वह रिवॉल्ट है। RV 400 का लॉन्च है जो इलेक्ट्रॉनिक, और ये देखो इसकी कलर से ब्लैक है, ये वाइट आ गया, यहाँ ब्लू आ गया, वहाँ रेड आ गया, और देखो ये स्पेशली अभी वर्ल्ड कप पे हुई है लॉन्च, स्पेशल एडिशन भी है इसका। देखो यहाँ पे पूरा इवेंट है ये। बाकी मैं आपको अभी कुछ फीचर बताता हूँ। फीचर है ना ये मुझे बड़ा मस्त लगा। देखो एक तो पहले इसका ये रिमोट है, लोकेशन है इसमें, ये पता नहीं कुछ थंडर साइड पर लॉक है अनलॉक है। अनलॉक करा आपने, अब आप यहाँ से पावर से कर सकते हो। इसमें चार्जिंग दिखा रहा है आपको, कितनी चार्जिंग है, कितनी क्या स्पीड है, क्या किलोमीटर है, सब स्पोर्ट मोड। यहाँ पे ना देखो कितने कलर्स मिले, और बहुत सही बाइक है ये, एक्चुअली बहुत सही बाइक है, को पसंद आ रही है ये बाइक। ये देखो एक्चुअली में बहुत सही लग रही है बाइक। देखो इसके जो फीचर्स है ना, जैसे मैंने आपको भी एक रिमोट वाला बताया, इसके अलावा इसमें अंदर आवाज़ आती है। पीछे देखो ये LED लाइट है प्रॉपर इसकी, एंड वो ही आपको आगे भी LED मिलती है, बहुत मतलब इट लुक्स अमेजिंग। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, ये भी LED मिल रहे हैं, एंड जो इसकी फील है ना बैठने वाली वो एक अलग ही है, मैंने भी ट्राई करा है जैसे, एंड जो इसकी ब्रांडिंग है देखो लिटरली बताऊँ बहुत सही फील दे रही है बाइक की, बहुत सही। बाकी टेस्ट ड्राइव भी यहाँ पे हम सोच रहे हैं, टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं, सो लेट यू गेट आइडिया कि कैसी बाइक है, एंड फीचर्स वगैरह भी पूछ लेंगे। ये वाला जो कह रहे हैं प्रीमियम कलर है ये वाला। तो गाइस यहाँ का जो शूट आउट हो गया ना, मैंने कहा कि मैं चलूँगा ये क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट ड्राइव बाद में लूँगा, पहले कुछ। बाय द वे आई मेट अगस्त्य वर्मा। हाय, लेट मी टेल यू लिटिल मोर अबाउट यू ब्रदर। बताओ बताओ। हाय, दिस इज अगस्त्य वर्मा एंड आई मेट दिस गाय, व्हाट अ वंडरफुल गाय। मेरी तारीफ। मेरा जितने भी शूट किया भाई ने किए, अदरवाइज मेरे आई डिड नॉट हैव एनी कंपनी एंड वी बिकेम व्हाट अ वंडरफुल फ्रेंड्स। Thank you, really Anand, really appreciate man, what a lovely man you are, really it's a privilege to meet you brother. Same here, और मेरे भी shoot actually इन्होंने ही करे हैं, ये अभी मुझे footage दे रहा है, और हम जा रहे हैं refreshment के लिए, it's Anand, Anand, so यहाँ पे I am Sush. सोशल में रखा है कॉम्प्लीमेंट्री, इनके पास स्टार्टर्स हैं और मैंने करी साथ कॉफ़ी, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन दिया था मॉकटेल्स या कॉफ़ी, ऑब्वियसली आई चूज कॉफ़ी। उस ठसेले में मिला ये चीज़, देखते हैं क्या है ये, यार ये कितना टेस्टी लग रहा है। चीज नट्स, दीज आर स्प्रिंग रोल, स्प्रिंग रोल, इट्स यम्मी, डैम यम्मी। ऑल द बेवरेजेस पार्ट आई ऑर्डर्ड कॉफ़ी, सो हियर इट इज। So
गाइस फूड इज डन व्हिच वाज टेस्टी बाय द वे सोशल का आप समझता हूँ। अब यार मैं टेस्ट जगह का पता कर लूँ, मुझे लगता नहीं ऐसा टेस्ट जगह हो पाएगी, बस स्टिल एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। टेस्ट जगह अगर मिल जाती है ना तो टेस्ट ड्राइव एक बार ले ही लेते हैं। भाई टेस्ट ड्राइव बंद हो गई है, टेस्ट ड्राइव तो यहाँ नहीं है अभी, सो नाओ आई विल टेक अ लीव। घर जाके आपको दोबारा मिलता हूँ एक बार यहाँ से निकल के। गुड मॉर्निंग गाइस, सो इट्स अनदर डे एंड कल की बात करूँ तो इट वॉज अ अमेजिंग इवेंट। शाउट आउट टू रिवॉल्ट एंड इट वॉज लाइक जस्ट अमेजिंग। इट वॉज अ परफेक्ट इवेंट, परफेक्ट लॉन्च, परफेक्ट कलेक्शन, परफेक्ट फीचर्स एक्सप्लेनेशन, परफेक्ट एवरीथिंग। इवन तो जो रिफ्रेशमेंट थी ना, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। लाइक इट वॉज इन सोशल्स एंड बहुत से इवेंट ऑर्गेनाइज करता। शाउट आउट टू रिवॉल्ट वंस अगेन, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका इवेंट। द पीपल एंड एवरीथिंग वॉज जस्ट ऑन पॉइंट, सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज था। आई रियली लाइक इट। एंड अगर मैं बाइक की बात करूँ तो बाइक की कलेक्शन बहुत अच्छी है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी बाइक। तो जिनको नहीं पता, मैं ऑफिशियली एज एन इन्फ्लुएंसर वहाँ पे गया था एंड इट वॉज जस्ट अमेजिंग आउट देयर। सो अगर आप बाइक प्लान करो तो आप जाके देख सकते हो अपने नियरेस्ट शोरूम में, आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन, आपको पता लग जाएगा नियरेस्ट शोरूम का एंड यू कैन गो टेस्ट ड्राइव एंड लुक आउट फॉर द ऑप्शंस अवेलेबल इन द शोरूम। सो गाइस अब आपने इवेंट तो देख लिया, बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू बाय अ बाइक और अ स्कूटी। वो हम देखने वाले हैं, एक्सप्लोर करेंगे, वी विल सी कि क्या मैं परचेज करूंगा। ऑब्वियसली यू विल गाइस गेट टू नो अबाउट इट। देखो इलेक्ट्रिक नहीं ले रहा और पर्टिकुलर ये बाइक अभी मैं नहीं ले रहा। अगर आप सोचो कि मैं इवेंट में गया हूँ तो यही बाइक ले रहा हूँ, नहीं, क्योंकि मेरा भी बजट उतना नहीं है, मतलब मेरे बजट पे नहीं जा रही वो बाइक उतनी। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट ऑप्टिंग फॉर इट। मैं ये तो मैं आपको भी बता देता हूँ, कोई आप सोचो कि ये इवेंट पे गया तो यही वाली बाइक ले रहा हूँ, नो दैट्स नॉट हैपनिंग, क्योंकि बजट से थोड़ा आउट है। सो मैं जा रहा हूँ अभी शोरूम से, मैंने कहा चलो मैं आपको साथ लेके चलता हूँ एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इट टुगेदर ऑप्शंस अवेलेबल एंड जो भी होगा साथ में देखते हैं। होंडा, मैंने कहा यार होंडा मैं कन्फर्म कर ले रहा हूँ, पहले स्कूटी का नाम लेती होंडा याद आता है। सबसे पहले जो ऑप्शन आया हुआ है एक्टिवा, एरी, ये सबसे बेस मॉडल है, फिर ये मॉडल है, फिर ये और ये डियो। होंडा से मैं आया हूँ अब हीरो में और हीरो में भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। होंडा में ना मुझे लाइक सेल्स पर्सन की अच्छी नहीं लगी, मैं बोलता हूँ उसने बिल्कुल टेंट ही नहीं लगा। तो दूसरा सेल्स पर्सन अच्छा था बट पहला तो बहुत बेकार था, दिमाग खराब कर दिया। यहाँ भी अच्छे खासे ऑप्शन हैं अगर आपको लेने हो ना, हीरो में भी स्कूटी की और बाइक तो स्कूटी से ज़्यादा है, बाइक के मेन टाइप की बाइक कम है, आउट ऑफ बजट है यहाँ हीरो में, बट स्कूटी से बहुत ज़्यादा है। देखो यार दो शोरूम तो एटलीस्ट जाके देखा करो, प्राइस डिफरेंस मिल जाता है, बार्गेन ऑप्शंस भी मिल जाते हैं एंड मुझे नहीं अच्छी लगी सर्विस, मतलब दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन एंड स्पेशली व्हेन आई एम व्लॉगिंग दे आर लाइक उनको लग रहा है ऐसे कोई टाइम पास ना करना है, सो इसलिए यहाँ से शायद ही लूँ। देखते हैं अगर कोई अच्छी ऑफर मिल जाती है तभी लूँगा, नहीं तो आई एम गोइंग टू अदर शोरूम, वो भी आपको दिखाता हूँ। भाई तब मैं हूँ TVS एंड मोस्टली मैंने यहाँ पक्की कर दी है, कौन सी करी है वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट मोस्टली यहाँ मैंने पक्की कर दी। बुकिंग इज डन, ये रही पर्ची, हम जा रहे हैं ऊपर PDI करना है PDI। यहाँ पे PDI में क्या है, बेसिकली जो आपकी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होता है ना, बाइक देख लो अच्छे से, बुक हो जाएगी आपके नाम पे, कल आपको फिर मिल जाएगी, ये होता है बेसिकली PDI। तो एक बार देखता हूँ कौन सी लिए, वो तो सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो आपको कल पता चलेगा। डिलीवरी एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता, देखते हैं लेट्स होप कैसा होगा, सिंपल सोवर होगा क्या होगा, वी विल सी। सो यस बुकिंग इज डन एंड कौन सी बुकिंग करी है ये तो देखो आपको व्लॉग देखना पड़ेगा अगला, मैं बता रहा हूँ इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग व्लॉग, मस्त फन आएगा, डिलीवरी लेंगे, मजा करेंगे। अब मैं कुछ ऐसा बता नहीं चाहता। अच्छा बाय द वे मैं आपको बोला ना PDI करने जा रहा हूँ, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कुछ ऐसे जो होता है, सो बेसिकली वो नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे वो पर्टिकुलर अवेलेबल नहीं थी, वो मंगवा देंगे सो इसलिए वो नहीं हो पाई है, सो वो भी हम कल ही करेंगे जाके। यस वी आर गोइंग टुमारो, यस मैंने तो बताई थी आपको वी आर गोइंग टुमारो, सो कल का व्लॉगिंग होने वाला है डिलीवरी वाला व्लॉग, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी मच फन। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो मेरे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और छोटा सा काम कर दो, एक सेकंड लगेगा, लाइक का बटन दबा दो और लोग देख पाएंगे, बस इतना होगा। चलो अब आपको मिलता हूँ कल, बहुत फन होने वाला, एक्साइटमेंट है, चलो मैं मिलता हूँ कल, बाय, गुड नाइट।